जो आपको लिंक दिया था उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पर जो आ रहा है क्लिक हियर, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको इस पर नेक्स्ट इस पर जहाँ कर्सर, इसको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन। उसके बाद आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे बॉक्स में, पहला प्रोस्पेक्टस है, सेकंड ग्रीन कलर, ग्रीन कलर वाले को आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट विंडो पर जाना है। अब यहाँ पर रीड प्रोस्पेक्टस पर क्लिक करना है, फिर आपको आगे प्रोसीड करना है। प्रोस्पेक्टस पहले पढ़ लेना, फिर देखिए आप इसमें पहले स्टेट है, स्टेट के नेम पर राजस्थान डालना है। जैसे ही राजस्थान डालेंगे आपके बाद फिर उसको डिस्ट्रिक्ट नेम डालना, जैसे राजसमंद डालना है, राजसमंद आपको डालना है। राजसमंद डालने के बाद आपको ब्लॉक कोड डालना है, ये ब्लॉक आप डाल देंगे। ब्लॉक कोड के बाद नेम ऑफ स्कूल, आपको अपने स्कूल का नाम डालना है। स्कूल के नाम के बाद जो एंट्रीज हैं ये आपके नेम्स हैं, ये आपको कंप्लीट फिल करना है। फिर आपको मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपको क्लियर डालना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ जो आपके पास ड्रॉप डाउन बॉक्स है इसे सेलेक्ट करके आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करने के बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है अपनी। डेट ऑफ बर्थ आपकी सही होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये ईमेल आईडी आपको डालनी है, ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी आपको। इसके बाद आपको अपनी मदर्स का नेम फिल करना है, उसके बाद फादर्स नेम आपको फिल करना है। फिर आपके पास ये ऑप्शनल है, आपके पेरेंट्स अगर गार्जियन नहीं है तो अलाइव नहीं तो गार्जियन का नेम आपको फिल करना है, अदरवाइज इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। नेशनलिटी आपको इंडियन भरना है, सब नेशनलिटी इंडियन नेशनल्स हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपका जो भी है वो आपको भरना, कट मार्क या ब्लैक मोल जो भी आपके पास हो। फिर आपके पास जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी कैटेगरी सही भरनी है। इसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जनरल एससी एसटी ओबीसी जिससे आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हिंदी इंग्लिश है, जो भी रीजनल लैंग्वेज वो आपको भरनी है। फिर आपकी डिसेबिलिटी अगर किसी पास है, नहीं है तो आपको बाई डिफॉल्ट नन लिखा हुआ, नन ही रखना है आपको, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ध्यान रखें। फिर आपके बाद इसमें देख के आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबिलिटी का परसेंटेज है वो आपको सेलेक्ट करके भरना है। फिर आपके पास इसमें जो रिलीजन है, रिलीजन अगर अदर भरते तो अदर है। फिर आपका आधार नंबर है, जो भी आपका आधार नंबर कंप्लीट भरना है। आधार नंबर के बाद आपके एनुअल इनकम पेरेंट्स की आपको कंप्लीट भरनी है। फिर आपका ये पोस्टल एड्रेस है, ये पोस्टल एड्रेस आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है। फिर उसके बाद आपको आपके पिन कोड नंबर लिखना है, पिन कोड नंबर लिखने जो आपका स्टेट है, स्टेट डोमिसाइल स्टेट आपको स्टेट भरना है। फिर वही सेम प्रोसीजर आपको डिस्ट्रिक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका टेलीफोन नंबर आपको भरना है। फिर देखिए क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की जो डिटेल आपको भरनी है, इसमें पहले आपको स्टेट है जिसमें राजस्थान, राजस्थान भरा है तो जो भी आपको स्टेट है वो आपको फिल करना है। तीनों कॉलम में थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में स्टेट फिल करने के बाद आपको सभी कॉलम में डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में सेम एंट्रीज कंप्लीट करनी है, अगर डिस्ट्रिक्ट सेम है सेम रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। फिर आपका ब्लॉक है तो सभी में ब्लॉक आपको भरना है। जो आपका विलेज है वो आपको विलेज भरना है, अगर आपकी सेम स्कूल है तो सेम स्कूल रहेगा, अलग अलग है तो स्कूल का नेम भरना है स्कूल को। फिर आपके बाद अगर रिकॉग्नाइज है तो रिकॉग्नाइज, नहीं तो नॉट रिकॉग्नाइज, कोई भी स्कूल नॉट रिकॉग्नाइज नहीं होता है तो सभी को रिकॉग्नाइज ही भरना है। फिर आपके स्कूल का ही भरना है इसमें कंप्लीट। फिर आपने कब उसमें एडमिशन लिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको भरनी थर्ड फोर्थ फिफ्थ की, और डेट ऑफ लिविंग द स्कूल ये आपको भरनी है, ये फिफ्थ की नहीं भरनी, फिफ्थ में कंटिन्यूस पढ़ते रहेंगे। फिर आपको ये आपका आपकी इमेज अपलोड करनी है, इमेज में ध्यान रखिए 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और JPEG इमेज होनी चाहिए, ये कंप्लीट ध्यान रखिए। फिर आपको अपने आपके पास कैंडिडेट के सिग्नेचर अपलोड करने हैं आपको, सेम प्रोसीजर है, इसमें भी 10 से 100 KB में होनी चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना पेरेंट्स का अपलोड करना है फोटो JPEG इमेज में, सेम चूज फाइल चूज करके आपको ये पेरेंट्स का 10 से 100 KB के बीच में फोटो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद अब आपको जो सर्टिफिकेट्स है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वो आपको अपलोड करना है 10 to 100 KB में, सेम प्रोसीजर है। फिर उसके बाद आपको अपना सबमिट, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट कर लेना, नोट करके आप चाहे प्रिंट आउट।